दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान कुछ अलग, कुछ हटके दिखने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन इतना हटके दिखने की कोशिश या जुनून के खुद के जान पर बनाए शायद ही कोई करता हो। हम तो भाई जान पर बन आए ऐसे जुनून को सनक ही कहेंगे, और ऐसी सनक जिस पे सवार हो जाए उसे कहेंगे सनकी। सनकी इसलिए क्योंकि कुछ हटके दिखने की सनक में इस इंसान ने पूरे बदन पर, जी हाँ पूरे बदन पर टैटू गुदवाए हैं, वो भी ऐसी ऐसी जगह पर कि देखने वालों को झटका लग जाए। इंसान वाले लुक से एलियन वाले लुक में खुद को ढालने के लिए इन्होंने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करवाया। इस चक्कर में सर्जरी करवा कर इन्होंने अपने ओठ, कान, नाक काट लिए। इस चक्कर में अब इन्हें बात करने में, यहाँ तक कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बड़ी ही अजीबो गरीब सी शक्ल सूरत बना ली है इन्होंने। देखिए, अब ये कुछ इस तरह दिखते हैं। दोस्तों, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, टैटू गुदवाने का शौक, खुद को एक डरावने किरदार में एलियन लुक में देखने की सनक सवार इस शख्स का नाम है एंथनी लोफ्रेडो। दोस्तों, इस वीडियो में हम एंथनी पर हटके दिखने की, डरावना दिखने की सनक कैसे सवार हुई, इस चक्कर में उन्होंने क्या क्या बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन किए, और भविष्य में उनका बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का खतरनाक प्लान क्या है, सब कुछ बताएंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, और यार आप कमेंट्स नहीं करते तो प्लीज वीडियो पे कमेंट जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू से शुरू करते हैं। फ्रांस में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम कर रहे एंथनी लोफ्रेडो को अपनी जिंदगी बड़ी ही आम सी लगती थी। उन्हें लगता था कि वो जिंदगी को उस तरह से नहीं जी पा रहे हैं जिस तरह से उन्हें जीना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कि चलो कुछ हटके करते हैं। वैसे टैटू गुदवाने का शौक हर किसी को होता है, एंथनी को भी था। तो फिर उन्होंने शरीर पर टैटू गुदवाना शुरू किया। टैटू बनवाते बनवाते इतने टैटू बनवाए कि इनके बॉडी पर टैटू बनवाने की जगह ही नहीं बची। टैटू बनवा कर इन्होंने पूरे चेहरे को काला कर दिया, और यकीन मानिए इन्होंने आँखों की पुतलियों पर भी टैटू बनवाए हैं। जब टैटू बनाने के लिए जगह नहीं बची तब एंथनी ने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू किया। फ्रांस में बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन गैर कानूनी है, इसलिए एंथनी ने स्पेन, बार्सिलोना, मेक्सिको जाकर लाखों रुपए खर्च कर अपनी सर्जरी करवाई और अपनी नाक हटवा ली, लिप्स काट दिए, कान काट दिए, रेप्टाइल लुक देने के लिए जुबान को दो हिस्सों में बांट दिया, डरावना दिखने के लिए माथे पर रेप्टाइल जैसे उभार बनाए, भवे नाक और टुड्डी पर डर्मल पर्सिंग की, गालों के कुछ हिस्से काट दिए, एलियन लुक के लिए डर्मल इम्प्लांट किया, स्किन को उबड़ खाबड़ टेक्सचर जैसा रूप दिया, चेहरे पर और भी कई सारे बदलाव करवाए। एंथनी हटके दिखना चाहते थे, हटके दिखने भी लगे। उनका लुक ब्लैक एलियन जैसा था, इसलिए लोगों ने उन्हें ब्लैक एलियन नाम भी दे दिया। कुछ अलग, कुछ हटके करने के चक्कर में एंथनी ने बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन तो कर लिया, लेकिन अब इन्हें इसके साइड इफेक्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। नाक काटने की वजह से एंथनी को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ओठ जुबान काटने से बात करने में तकलीफ हो रही है, लेकिन एंथनी की सनक अब भी कायम है। एंथनी भविष्य में खुद को और मॉडिफाई कराना चाहते हैं। इसके लिए पैर और हाथ की उंगलियों में बदलाव करना चाहते हैं, और पूरी स्किन को हटाकर उसकी जगह मेटल लगाने का इनका प्लान है। दोस्तों, हटकर दिखने के चक्कर में दरअसल एंथनी अपने जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। खैर, उनकी अपनी जिंदगी है, उनका अपना बदन, वो जहाँ चाहे टैटू बनवाए, एक एक कर बॉडी के हर पार्ट को काट दे, उनकी अपनी मर्जी। लेकिन मैं अपने व्यूवर्स को मुफ्त में एक मशवरा जरूर दूंगा कि अगर आप कुछ हट के दिखने या हट के कुछ करने की सोच रहे हो तो याद रखिए, कुछ हट के करना अच्छी बात है, लेकिन इतना हट के कि जिंदगी से हट जाओ गलत है ना भाई। तो ऐसी सनक से बच के रहिए, और जहीर वॉइस को देखते रहिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और यार आप वीडियोस पर कमेंट्स नहीं करते तो कमेंट्स भी जरूर कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।